ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र ठार वाजिदपुर में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद में हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो में एक पक्ष के द्वारा दो महिलाओं के साथ मारपीट की घटना साफ देखी जा सकती है। हालांकि इस संबंध में पीड़ित पक्ष के अनुसार उसने थाने में तहरीर देकर पीड़ित पक्ष ने कार्यवाही की मांग की है। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे थाना दक्षिण क्षेत्र के ठार बाजिदपुर में महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल एक जो मामला प्रकाश में आया है उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें महिलाओं को कुछ लोग पीटते नजर आ रहे हैं। बाद में जब इसके बारे में पता लगाया गया तो ये ठार वाजिदपुर है, थाना दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे एक ही परिवार के लोगों द्वारा जो है आपस में मारपीट की गई है जिसमें महिलाओं को मारा पीटा गया, वही वीडियो है वो। उसके बारे में तत्काल जो है मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया और उसमें जो है थाना दक्षिण को निर्देशित किया गया। मौके पे गई, कुछ लोगों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो लोग भागे हुए हैं। लेकिन जो है जिन महिलाओं के साथ ऐसा मारपीट की गई है उनसे तहरीर लेके जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। उनकी धरपकड़ करने का प्रयास जो है लगातार थाना दक्षिण पुलिस द्वारा जो है किया जा रहा है। और ये स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई भी घटना होगी तत्काल पूरी पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करेगी। महिलाओं से संबंधित किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी अभियुक्त को छोड़ा नहीं जाएगा। नाम है आपका? नीरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? थार बाजिदपुर। आज आप थाना दक्षिण आए हुए, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी भाभी घर से जा रही थी दूध लेके, उनके साथ एक बच्चा था 5 साल का उनका, तो रास्ते में वो लड़का अपनी भैंस लेके जा रहा था तो वो भैंस मारती है, वो पकड़ के नहीं ले जा रहा था। तो उन्होंने कही कि पकड़ ले इसको, तो बोला कि पकड़ लूँ क्या बोलेगी की कि तो मैं दूँ डंडा। तो ये इतने बजे रोके घर पे आ गई, डंडा के मैं फटी जाइए करो, तो रोके घर पे आ गई है। फिर वो वहीं भी छड़ के आ गया, पहले अकेले आया, फिर उसके बाप मेहता ही पूरा घर आ गया। फिर वो घर में घुसे आए, उन्होंने मारपीट की और दुकान का सामान पामान भी तोड़ा फेंक दिया। उसके बाद फिर उसकी बहन आई, उन्होंने इसके बाहर पकड़ लिए भाभी के हमारी के, और वो सारे आ गए, उन्होंने लात या घूसा मतलब दोनों हम सब मारे इस तरह से। क्या नाम है तुम्हारा? सुमन। सुमन जी, कहाँ की रहने वाली हो? थार बाजिदपुर। क्या मामला है जो थाने आना हुआ है? मामला ये है कि मैं घर से अपने घर आ रही थी दूध लेकर, अंसा नाम का लड़का मिल गया, उसने मेरे साथ छेड़खानी की, फिर मेरा हाथ भी पकड़ लिया। तो मैंने छुड़ाने की कोशिश की, उसने नहीं छुड़ाया। फिर मैं कैसे ही करके उससे बचने के लिए बच के मैं अपने घर पे गई। घर जाने के बाद मैंने घर वालों को बताया, बताने के बाद उससे पूछा, और उसने मतलब मेरे घर वालों ने उससे पूछा, फिर वो अपने फैमिली के साथ आया था। फिर मतलब उसने हमारी नहीं सुनी, मतलब मैं थी, मेरी सास थी, हम दोनों की पीट पाट की और गाली गुल्ला भी दिया उसने। गाली गुल्ला देने के बाद फिर मतलब मेरे घर पे मतलब तोड़ फोड़ भी की उसने। तोड़ फोड़ करने के बाद फिर मैं उसने मेरी दुकान का मतलब जो भी सामान था उसने थोड़ा बहुत तोड़ दिया और उसमें से निकाल के फेंक दिया हुई था। फिर उसी में मतलब मुझे पीट रहे थे मतलब हंसा, प्रेमी, लालू, वेद प्रकाश, सुनीता, उसी में मेरा मंगलसूत्र अचैन भी चला गया और उसके बाद मुझे नहीं पता। और फिर लात घूंसे से मुझे मार रहे थे, मेरे को नहीं पता यानी बोलिए गए या कहीं।